हम इंतजार नहीं करते हैं। हमारे पास जो भी कंप्लेन आता है पूरी इंडिया को मैं बोलती हूँ, किसी भी कोने का कोई भी कंप्लेन, कोई भी लड़की हो या लड़का, कोई भी मुसीबत हो, आप लोग हमें कॉल कीजिए। अगर पुलिस प्रशासन बात नहीं सुनते, डीसी बात नहीं सुनते, कोई सरकार बात नहीं सुनते, आप हमें बोलिए, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे। आप लोग का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है बोल दीजिए हम लोग। 9401735047 9401735047 संगठन का नाम है डिजायर फॉर लाइफ। और भी एक संगठन है जो अच्छा काम कर रहे हैं, माँ मनोसा, ये उसका सभापति है, प्रभारी है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुना है नाम है का। ठीक है, विदाउट लेडी पुलिस, विदाउट लेडी पुलिस, विदाउट रूटीन ट्रैकर लाया है, जिसके लिए हम लोग एसपी से मिलने आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग आए हैं अभी फिलहाल तो हर स्टेट से ही है, और हर डिस्ट्रिक्ट से है, यहाँ पर आसाम का कई डिस्ट्रिक्ट का है, और मैं नेशनल महिला प्रेसिडेंट हूँ डिजायर फॉर लाइफ ऑल इंडिया लेवल संगठन। हमको बस इतना ही पूछना है सर से कि विदाउट नोटिस, विदाउट नोटिस, विदाउट लेडी कांस्टेबल की लेकिन विदाउट नोटिस, विदाउट टेलीफोन, विदाउट लेडी पुलिस की बर्थ, नाबालिका दो लड़की को पुलिस वाले रात को 2 बजे उठाकर ले जाता है, इसकी इसमें क्या समझ में आता है, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि नाबालिका को उठाकर लाया? इसके लिए हमको एसपी से बस पूछताछ करने आए हैं कि ऐसे कि अगर पुलिस प्रशासन ऐसे करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उठाना है मणिपुर में इतना बड़ा बड़ा घटनाएं घट रहे, लोगों को उठाना चाहिए, उन लोगों को उठाना चाहिए, हम लोग का लड़की को उठा रहा है। हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल डिजायर फॉर लाइफ संगठन और मां मनसा संगठन कटरा डिस्ट्रिक्ट। आप लोग ब्लैक साड़ी पहनने का मतलब क्या है? ये हमारा 2 यूनिफॉर्म है, हमारा डिजायर फॉर लाइफ का, इन लोगों का येलो यूनिफॉर्म है, तो हमारा डिजायर का है। हम लोग अगर कोई तहकीकात में जाते तो ब्लैक लगाते हैं, और विचार में समाधान करते हैं तो हम लोग रेड साड़ी पहनते हैं। हमारे टीम में जेंट्स भी है। मैडम बात यह है कि ये दो लड़की है, करीबन 2 मास हो चुका है, इन लोगों को अलगापुर थाना से 2nd ऑफिस रात को 2 बजे विदाउट लेडी पुलिस, विदाउट नोटिस, रात को 2 बजे उठाकर लेकर आया है अलगापुर थाना पर 2nd इंचार्ज। जो ये लोग 2 माह से भटकते हुए, कोई इंसाफ इन लोगों को नहीं मिला, कहाँ जाएगा, किसको पूछेगा? फिर ये लोग हमारी संगठन में, माँ बाप भी घर पे नहीं था, दादी था, बुजुर्ग, अगर कोई बात होता दादी को उठा कर ले जाता, लेकिन ये नाबालिग ले जाते टाइम लड़कियों को बोला जल्दी से चलो वरना पैर में गोली मार देंगे, ऐसा धमकाया गया है। बताओ उनका पापा कहाँ? पापा सामने आओ ना, हमें अपने यहाँ पे ये उन लोगों का एप्लीकेशन पहले का, और ये उनका पापा, इनका हालत देखिए, ये इधर उधर से भटक रहा है, समय टूटा हुआ है, मोबाइल नंबर दिया है, हम शाम को आपके अभी उन लोग घर में जाएगा, इसमें भी प्रॉब्लम है ना, इन लोग को घर में नहीं लेना देता है, एक बरस का ये काफी है, वही कर रहा है सब। नॉर्मली उसका नाम क्या है? अनंत, अनंत। अच्छा, बाकी सब पहले तक हमारी 2 मैडम जाएंगे, 2 मैडम जाएंगे, 2 मैडम चाहिए। अमर पांडे से आप लोग रुको, कोई बात नहीं, हम लोग नॉर्मली बात कर, हम लोग आए हैं एक्चुअली हाईलाकांडी एसपी ऑफिस में, करीबन 2 मंथ पहले एक यहाँ पर घटना हुआ है, जो अलगापुर में अलगापुर थाना का 2nd इंचार्ज जो है अलगापुर एक परिवार से जाकर 2 बच्चियों को रात को 2 बजे उठाकर ले आया, और उन लोगों का कुछ पहले का झगड़ा विवाद था, जमीन का मैटर था, वो उसमें हम लोग नहीं आ रहा है, जमीन का मैटर है, अपने बड़े बड़े में लड़ाई हो कोई बात नहीं है, लेकिन छोटी सी नाबालिग 2 बच्चियों को रात को 2 बजे विदाउट कांस्टेबल, मतलब लेडी कांस्टेबल, विदाउट नोटिस, रात को 2 बजे 25 लड़कों के साथ
सेकेंड इंचार्ज जाकर उठाकर लाता है और फिर रास्ते में चलते हुए लड़कियों को बोलते हैं जल्दी चलो वरना गोली मार देंगे, पैरों में गोली मार देंगे। अगर ऐसा आज के दिन का पुलिस प्रशासन हो, हम यहाँ का एसपी से रिक्वेस्ट किए हैं जो सेकेंड इंचार्ज वहाँ पर था ड्यूटी में उनको सस्पेंड किया जाए कि ऐसे पुलिस वाले रात को 2 बजे विदाउट नोटिस कैसे किसी नाबालिगी को उठाकर ला सकता है। अगर आप लोगों का दम है तो मणिपुर में इतना बड़ा घटना घट रहा है, लड़कियों को इतना रेप हो रहा है, इस तरीके का दरिंदों को पकड़ने में आप लोग नाकामयाब है और मासूम बच्चियों को रात को 2 बजे उठाकर ले आते हो, इस तरीके का पुलिस प्रशासन को हम लोग धिक्कार जनाते हैं। और एसपी मैडम से अभी मिलने की बाद उन्होंने कहा कि मेरी नजरों में ये नहीं है, अभी आज के आज उन लोगों को थाना पर लाएंगे अरेस्ट करके और फिर उनका पूछताछ किया जाएगा। हमारा एक ही मांग है कि जो पुलिस ऑफिसर जो भी सेकंड इंचार्ज था उनको, उनका नाम क्या नाम है, धनमणि, उनका नाम धनमणि है, उनको सस्पेंड किया जाए। ये हमारी डिजायर फॉर लाइफ, हम नेशनल महिला प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लेवल का मेरे तरफ से और मेरी पूरी संगठन की तरफ से। यहाँ पे और एक संगठन है महामनसा जिसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सभी लोग आए हैं। आप लोग ये काम हो पाएगा मीडिया के द्वारा, आपके न्यूज चैनल के द्वारा। आजकल सबसे ज्यादा अगर क्राइम को पकड़ने वाला कोई टीम है तो मीडिया है, हमें मीडिया पर भरोसा होता है, बाकी किसी पर नहीं। जी नहीं, जब एसपी मैम ने बोला कि हम है, हम देख लेंगे, अगर आपको विचार नहीं मिलेगा तब आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं। हम एसपी मैम को बातों पर सपोर्ट किया है, ठीक है, जब पहली बार आए हैं, पहली बार ही किसी के ऊपर इतना पिछड़ उछालना ठीक नहीं है कि अगर उन्होंने टाइम लिया है तो हमें टाइम देना चाहिए। सेकंड ऑफिसर को पूछे थे क्या किस लिए उठाए? नहीं, उनको नहीं मिला है क्योंकि वो वहाँ से कहीं और ट्रांसफर हो गया है। अभी नया ओसी आया है, ओसी सर से मेरा बात हुआ है अभी। चंडीपुर टी गार्डन में हुआ था? हाँ, चंडीपुर टी गार्डन। कब हुआ था? ये करीबन लगभग 2 महीने हो गया, घूमते 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 इन लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला, फिर ये लोग हमारी संगठन पर आए हैं। और पहले मामोनोसा में गया था तो इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही संगठन है, हमारा नेशनल लेवल का है, तो फिर वो संगठन ये भी इन लोगों को हमारे पास लेकर आए, हमारे पास काल रात को आया विचार, हम आज के आज ही चले आए, हम इंतजार नहीं करते हैं। हमारे पास जो भी कंप्लेन आता है पूरी इंडिया को मैं बोलती हूँ, किसी भी कोने का कोई भी कंप्लेन, कोई भी लड़की हो या लड़का, कोई भी मुसीबत हो, आप लोग हमें कॉल कीजिए। अगर पुलिस प्रशासन बात नहीं सुनते, डीसी बात नहीं सुनते, कोई सरकार बात नहीं सुनते, आप हमें बोलिए, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे। आप लोग का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, बोल दीजिए हम लोग को। 9401735047 9401735047 संगठन का नाम है डिजायर फॉर लाइफ। और भी एक संगठन है जो अच्छा काम कर रहे हैं मामोनसा, ये उसका सभापति है, थोड़ा बाटती है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुमा है नाम इनका। ठीक है, आप लोग मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रख सकते हैं, मेरा कार्ड है, मोबाइल नंबर।